हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरी एंड शाइन विद मी। तो आज मैं बहुत ही सुबह सुबह नींद से उठ गई हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ फ्रंट गेट और बालकनी कवर करने के लिए हमने ग्रिल के ऑर्डर दिया है, तो उसे लगवाने के लिए ही लोग काम करने वाले हैं। तो वो लोग आ जाएंगे शायद 9 बजे के अंदर ही। तो मुझे अभी उठना है और जल्दी जल्दी उठकर नहा के फिर भगवान की पूजा चढ़ा दूंगी और फिर ब्रेकफास्ट बनानी है मुझे, और फिर वो लोग आ जाएंगे तो उधर तो मुझे थोड़ा देखना ही पड़ेगा और फिर उन लोगों की चाय पानी भी पीना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी में हूँ, चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। और उसके साथ साथ शाम को मैं एक रेसिपी भी बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक की, सो उसे भी मैं शेयर कर दूंगी। ओके, सो चलिए फिर ब्लॉग को देखते रहिए एंड तक। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसमें बहुत सारी सब्जियाँ होती है, इसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पर मसूर दाल को भी इस्तेमाल किया है, और उसमें मैं आटे को ऐसे पतले से गूल कर उसकी ऐसे छोटे छोटे बॉल्स ऐसे बना कर चम्मच से ही उसको डाल दूँगी इसके अंदर। इसका नाम मैंने तो दिया है डम्पलिंग सब्जी का, मगर पता नहीं कि इसे और क्या बोल सकते हैं। तो खाने में अच्छा ही लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अभी मैं उसे ही बना रही हूँ, तो फिर देखते रहिए ब्लॉग को। और उसके बाद आने वाले हैं हमारी जो लोग यहाँ पर काम करने आएंगे ग्रिल लगवाने, तो उसे भी मैं दिखाऊंगी। तो फिर देखते रहिए ब्लॉग को एंड तक। ब्रेकफास्ट हो गई है और जो लोग ग्रिल लगवाने आने वाले थे वो भी आ गए हैं, ऑलरेडी उन्होंने काम कर लिया है बहुत सारा। तो ग्रिल की फिक्सिंग अभी चल रही है और ऐसे ड्रिल करके वो लोग उसे क्लैंप से ऐसे जोड़ रहे हैं, और एक साइड में तो लग गया है और दूसरे साइड ऐसे अभी भी खुला है। तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर में ऐसे काम कर रहे हैं, मुझे ही तो डर लग रहा है देख कर। तो अभी यहाँ पर जो फ्रंट गेट है उसे भी लगवाएंगे वो लोग। तो ज़्यादातर वक्त उन्हें लगा बालकनी को मेकओवर करने में,
काफ़ी दोपहर के बाद ही वो लोग घर गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इसे फिक्स करने में। और ऐसे देखिए कैसे वेल्डिंग करते वक्त जो रोशनी ऐसा होता है ना, देख कर लगता है कि पटाखा फूट रहा है। तो अभी हो गया ये काम और अभी रेसिपी टाइम है। मैं अभी शेयर करूँगी चॉकलेट केक की रेसिपी। तो ऐसे कटोरी मैंने लिया है, तो एयर शुगर पाउडर जिसे मैंने पहले ही क्रश करके रख दिया था मिक्सर में। तो अभी एक कटोरी मैं मैदा ले रही हूँ और उसमें एक कटोरी शुगर पाउडर ले रही हूँ। उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर उसमें डाल दीजिए 1.5 चम्मच के करीब सोडा, बेकिंग पाउडर और उसके साथ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा। उसमें मैं 2 अंडे डाल रही हूँ। फिर इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें मैं डालूँगी चॉकलेट सिरप और उसमें चेरी के कुछ टुकड़े मैं डाल रही हूँ अभी, बाद में भी मैं डालूँगी। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं इसमें दूध की इस्तेमाल करूँगी। तो दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कोई कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल ही बना रही हूँ मैं। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर और उसके साथ थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल या फिर पूरा के पूरा बटर से भी बना सकते हो, और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसमें मैं डालूँगी वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस तो कमन है, डालनी ही पड़ेगी केक में क्योंकि इसके फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए मेरी चॉकलेट केक की बैटर बिल्कुल रेडी है और अभी मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें मैंने फॉयल पेपर को अच्छे से बिछा दिया है। फिर मैं उसे डाल दूँगी उस बैटर को उसमें। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। जब भी मन करेगा बस ऐसे कढ़ाई में बना लीजिए। मैं ऊपर से और थोड़ी चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ और उसे अच्छे से ऐसे मिक्स करके इधर उधर कर रही हूँ। और थोड़ा क्यों, चॉकलेट केक पे थोड़ा सा चॉकलेट की फ्लेवर ज़्यादा होगी तो बहुत ही अच्छी होगी खाने में। तो इसे इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और चेरी के टुकड़े डालूँगी और डालकर इसे कढ़ाई को बिठा दूँगी मैं इंडक्शन में। मैं इसे 100 में ही डाल रही हूँ। आपको भी लो टू मीडियम फ्लेम में ही डालनी है, ज़्यादा फ्लेम को हाई मत कीजिए वरना केक जल सकती है। तो 10 मिनट बाद मैंने फिर से उसे खोला था और उसमें मैं कुछ चेरी के टुकड़े फिर से डाल रही हूँ क्योंकि पहले डालती थी तो वो अंदर चला जाता था। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा खोल और फिर उसे डाल रही हूँ और उसके ऊपर से थोड़ा सा और चॉकलेट सिरप को भी डाल रही हूँ ताकि वो मेल्ट होकर अच्छे से ऊपर से ऐसे रह जाए। और उसमें कुछ काजू के टुकड़े भी मैं डाल रही हूँ और फिर मैं इसे और 10 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम में। तो केक बिल्कुल रेडी है और बहुत ही आसान है। मैं पहले कुकर में बनाती थी मगर उससे वो वाला रैक रखो और नमक डालो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती थी, पर ये वाला बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैं अभी ऐसे ही बनाऊंगी घर में। तो केक को मैंने काट लिया है और ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बना था केक और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जो ग्रिल हमने लग पाया था, अब मैं थोड़ी सी छोटी सी क्लिप डाल रही हूँ, उसे हम दोनों ने मिलकर ही पेंट किया है। तो कभी ए वाला ग्रिल ही नहीं, और जो भी जो ग्रिल है खिड़किया वगैरह और उसके साथ साथ फ्रंट गेट को भी हमने सिल्वर कलर कर दिया है। और
इसकी वीडियो भी मैंने डाला था और मेरी बंगाली चैनल में, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकती हो, पर यहाँ पर मैंने छोटा सा क्लिप प्लस उसका डाल दिया। तो अभी हो गई है हमारी सारी की सारी रील में पेंट, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बारिश के मौसम आने से पहले ही उसे पेंट करना ज़रूरी है। सिल्वर कलर बहुत ही लास्ट करती है, तो इसलिए हमने वही लगवाया है।